हाँ जी गाइस नमस्कार प्रणाम सत श्रीकाल केम छो आप जय श्री राम हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के न्यू वाले ब्लॉग में। तो गाइस रेडी हो गए हैं, भगवान जी को कर लिया है प्रणाम और हमारे पापा जी की चल रही है अभी पूजा और मम्मी जी हमारी अभी टीवी देख रही है, धीरेन्द्र शास्त्री जी का शो देख रही है मम्मी। एंड बने रहिएगा सीन में, मिलते हैं कुछ अच्छे मैसेज के साथ, अच्छे सब्जेक्ट के साथ अगले सीन में। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार, आ गए हैं अपन नेक्स्ट सीन में घर से बाहर। और चलिए आ जाते हैं मुद्दे पर और बात करते हैं एक अच्छे विषय पे। और आज हमारे साथ है हमारे भाई आशीष जी। ये हमारे आशीष भैया है। भैया नमस्कार, क्या हाल चाल है? बढ़िया। आप अपना पहले एज बताइए, कितना एज है? 26। और वैसे प्रॉपर कहाँ के रहने वाले हैं आप? यूपी में। कहाँ से? बनारस से। बहुत अच्छे। तो भैया आज के इस दौर में यूट्यूब तो सभी चलाते हैं, आई होप मेरे को भी लगता है आप भी चलाते होंगे। चलाते हैं, है ना? तो अब मैं कुछ बड़े यूट्यूबर में आपका नाम लूंगा तो आप क्या उनका वीडियो देखते हैं? यस या नो बताइएगा। जैसे कि कैरी मिनाटी हो गए और आशीष चंचलानी हो गए, भुवन बम, बीबी के वाइंस, बीबी के वाइंस, है ना? और राउंड टू हेल, राउंड टू हेल भी देखते हैं। मनी मिराज नहीं देखते। चलिए कुछ ऐसे नाम लिए, ऐसे तो कई ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर है, बस बड़े यूट्यूबर में यही है। तो आप इनका वीडियो देखते हैं तो कैसा लगता है आपका इनको वीडियो? मतलब टाइम पास करने के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप स्ट्रेस फील करते हैं तो बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनके वीडियो में गाली बहुत ज्यादा यूज करी जाती है। ये कह लें आप शुरू से अंत तक गाली ही बोल, मतलब ये पूरे कंटेंट में गाली ही गाली बकते हैं। तो इनका वीडियो क्या अपन टीवी पे लगा के या मोबाइल पे लेके पूरे फैमिली के साथ, अपने माँ बहनों के साथ, बच्चों के साथ देख सकते हैं क्या? नहीं देख नहीं सकते। हाँ, खुद दोस्तों के साथ देख सकते हैं, अकेले ही अच्छा। अच्छा, तो क्या आप इससे सहमत हैं कि ये जो गाली गलौज करते हैं ये सही है या गलत है? ये अपने अपने प्रोपोर्शन है, अगर आप दोस्तों के साथ हैं तो बहुत सही, हंसने के लिए, फैमिली के साथ तो। और अच्छा, क्या हंसने के लिए गाली बकना ही जरूरी है क्या? अमित बडाना भी तो है जो बिना गाली बके बहुत अच्छा कंटेंट देते हैं, कपिल शर्मा भी तो है जिन्होंने इतिहास में नाम कमा कर रखा। शर्मा की बात है, अमित शाह भी बडाना भी गाली देते हैं, ये बात नहीं है। नहीं, मगर उनके एक भी वीडियो में आज तक गाली नहीं है। गाली हमको दिखा देंगे, गाली रहते हैं। अच्छा देते हैं, रहती है गाली, रहती उतनी ही रहती। चलिए मान लिया, वो भी एवरेज में रहती है, एवरेज में रहती है, ज्यादा रहती है। बट यू क्या, जितने भी आपके मतलब जैसे आपके हम कैरी मिनाटी हुए, वो तरीके से यंगस्टर के ज्यादातर। बट मैं आपको खुल के बोलूं, मुद्दे पे आऊं तो मैंने एक अभियान छेड़ के रखा है कि टोटली मैं इनके खिलाफ हूं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता को धूमिल कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर इनके जो व्यूवर्स है 1 साल से 15 साल के बच्चे हैं और वही बच्चे इनका कंटेंट देख के रियल लाइफ में भी गाली गलौज करना शुरू कर देते हैं। तो क्या इससे भारत की संस्कृति और सभ्यता बच रही है या बर्बाद हो रही है? बच्चों को तो भाई इनने एज लिमिट मान लो लगा के रखा है चैनल पे, तो इनके लगा के और बोलने से क्या जाता है डिस्क्रिप्शन में लिखने से? भाई देखने से मना थोड़ी कर देंगे किसी को। नहीं तो क्या फिर भी आप सपोर्ट करेंगे जो अपने भारत को कहीं ना कहीं मतलब गलत मैसेज जा रहा है? अगर बच्चों के विकास की बात करें सपोर्ट नहीं करेंगे, बाकी यंगस्टर के लिए तो सही है, ये बात तो आपने सही कही। बट मैं कहीं ना कहीं इस चीज के लिए अभियान चला रहा हूँ और मैं पर्सनली कैरी मिनाटी को नहीं, तो कैरी मिनाटी हो गए, राउंड टू हेल हो गए, बीबी के वाइंस, ऐसे करोड़ों लाखों लोग जो हैं जो दिन भर में और खासतौर से गर्ल्स भी आजकल गाली गलौज करना शुरू कर दिए हैं, तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत गलत है हमारी भारत की संस्कृति और ये कहने की वर्ल्ड के लिए ही गलत है। क्या कोई माँ बाप या कोई आप ही अपने बच्चों को चाहेंगे कि कैरी मिनाटी की वीडियो देखे? वो नहीं चाहेंगे ना। तो मेरा बस यही निवेदन है कि आज जो पहले हो गया बट आगे से आप भी कहीं ना कहीं ये मैसेज दें और अपने घर वालों को भी बोलें कि भैया ये चीज कंटेंट देखना, इन लोगों को इनको सपोर्ट करें, मगर अच्छा बनाए तो सपोर्ट करें, ना कि गाली गलौज, क्योंकि इससे बहुत गलत मैसेज जाता है और खासतौर से अपने भारत के युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है कहीं ना कहीं। कॉमेडी करें लोगों को, अच्छी बात, बस गाली के कंटेंट कम रखें, बस सबके लिए। भाई वेब सीरीज हो गया, इतने सब में गाली आजकल आ रही है और उसका जिम्मेदार वो नहीं है, हम लोग ही है ना भाई, इसका जिम्मेदार समाज है। अगर समाज उसे देखना बंद कर दे तो अपने आप गाली का कंटेंट कम हो जाएगा। जी जी जी, तो बस यही मेरा निवेदन है। तो आप आगे से थोड़ा सा ध्यान दें, मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे कंटेंट को सपोर्ट ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत की सभ्यता, और अपन तो यूपी बिहार से यार, वैसे भी अपने यहाँ तो संस्कारों का बहुत महत्व है, सभी जगह है, ऑल वर्ल्ड में है,
मगर मेरा यही निवेदन रहेगा और आप भी चैनल के माध्यम से अब मेरे कहने से कम बोल दें सभी से क्यों नहीं भाई कि भैया थोड़ा ध्यान रखें तो ध्यान दे बच्चों को, बच्चे गाली वाला कंटेंट ना देखें, आप देखें सही है, बच्चों को ना देखें तो बच्चों को दूर रखें इससे। चलिए बच्चे ही भविष्य हैं कल के भारत का। थैंक यू आशीष आशीष भैया और इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहिए। तो गाइस हमारे साथ थे आशीष भैया एंड आई होप आपको मैसेज समझ में आया होगा कि देखो मैंने फोर्सफुली तो नहीं कहा है क्योंकि ये चीज इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती हिंदुस्तान से, बट एक दिन जरूर हो जाएगी क्योंकि हम मेरा पूरा का पूरा अभियान ये हमेशा रहेगा। मैं एक ना एक दिन आपको सबको जागरूक करके ही मानूंगा और ये सही भी है क्योंकि कोई भी माँ बाप या कोई भी भाई बंधु अपने छोटे बच्चों को बहन भाई को नहीं चाहता है कि वो गाली देख के और वैसा कंटेंट देखे। तो प्लीज ऐसा कंटेंट बनाए जिससे मैसेज भी अच्छा जाए और अपने भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन हो क्योंकि अच्छी चीज बनाने वाले भी तो कहीं ना कहीं ऊपर है ना। तो आप लोग भी ध्यान दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, आगे अपन मिलेंगे अच्छे से सीन में। जय हिंद। तो चलिए गाइस आ गए हैं घर, भगवान जी को प्रणाम कर लिया है और मम्मी जी का चल रहा है किचन में काम, ये और आए हैं बहुत सारे आम। क्या बात है भाई, देखो राइमिंग मिस हो गई। मम्मी जी का चल रहा है किचन में काम और रखा है हमारे किचन में बहुत सारा आम और पापा लाए हैं समोसे आलू बड़े, मजा आएगा। और पापा जी भी आ गए हैं एंड आई होप गाइस आज के व्लॉग में भी जो मैसेज दिया है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज अब ये जो मेरा अभियान है इसको आप लोग को भी आगे बढ़ाना है, मुझे सपोर्ट करना है क्योंकि बहुत अच्छी चीज है, भारत की सभ्यता को भारत की संस्कृति को हमें बचाना है। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, अपने को अपने मित्रों को अपने परिवार को शेयर करें। तो प्लीज आप लोग अपना सपोर्ट बना के रखें और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। नीचे इंस्टाग्राम की आईडी आ रही है, जाके फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से मैसेज के साथ। अभी के लिए व्लॉग को यहीं करते हैं एंड जय श्री राम हर हर महादेव।